महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार स्पेशल प्रसाद मिलने जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की विशेष मुहिम शुरू होने जा रही है, जिसका लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा। दरअसल यहां सर्वाधिक मान्यता और पौराणिकता वाले मंदिरों में एक लेटे हुए हनुमान मंदिर का महाप्रसाद इस बार महाकुंभ में आने वाले भक्तों को भेंट करने की योजना बनाई गई है। यही नहीं, बागम्बरी गद्दी और वन विभाग देश के सभी शंकराचार्यों को महाकुंभ नगर से निशानी के तौर पर चंदन और रुद्राक्ष के पौधे भी भेंट करने जा रहे हैं। ऐसे में डीएफओ अरविंद कुमार यादव का कहना है कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप इस बार के महाकुंभ को दिव्य, नव्य और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत कुल 149,620 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें 137,964 पौधे अभी तक लगाए भी जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से सम्मानित सबसे कम उम्र के गंगा सेवक पर्यावरणविद मानस चिलविजय सांकृत्यायन के अनुसार महाकुंभ में भक्तों को लेटे हुए हनुमान मंदिर से महाप्रसाद के रूप में सप्तऋषि वन के पौधे भेंट करने की तैयारी है।